जिले के पिपरौली विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय खपड़हवा स्कूल में शिक्षिका द्वारा छात्रों से अपनी कार को धुलवाने का मामला सामने आया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए बीएसए बीएन सिंह ने मामले की जांच कराई और जांच में मामला सही पाए जाने पर शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि जिले के एक प्राथमिक स्कूल का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें शिक्षिका स्कूली छात्रों से अपनी कार धुलवाते दिख रही है, जो जिले के पिपरौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय खपड़हवा स्कूल के चनऊ क्षेत्र का मामला है। वीडियो में बच्चे स्कूल के बाहर कार साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफ़ेद रंग की कार पर नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने मामले की जाँच कराई और शिक्षिका को निलंबित कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने बताया। वो दरअसल गाड़ी धुलाने का आपके सोशल मीडिया से मेरे संज्ञान में आया आप लोगों के द्वारा, गरिमा सर्राफ का, कि बच्चों से गाड़ी धुलवा रही थी, तो जांच भी करवाया और तो उस स्थिति सही मालूम हुई, तो जिसके सापेक्ष उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, फिर जांच बैठा दी गई है। और शिक्षकों को क्या चाहते जी? और शिक्षकों से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम ये अपील करना चाह रहे हैं अपने शिक्षकों से, पूरा शिक्षक समुदाय से, कि इस तरह का कोई अमानवीय एक तरह से इसको कहा जाए हरकत है, ये ऐसा कार्य न करें, बच्चों से न लें, जो कि समाज में गलत संदेश जाए और अनावश्यक रूप से हमको कार्रवाई करनी पड़े, और सिर्फ बच्चों के पठन पाठन और सांस्कृतिक कार्य खेलकूद में ही उनकी रुचि पैदा करें और उसके साथ वो संलग्न हो, अनावश्यक कार्य न करें उनसे।